नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे हिंदी चैनल पर जिसका नाम है डिज़ाइन डेकोरन दिशा। मेरे इंग्लिश चैनल को देखने के लिए आप ये बैनर क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये लॉकडाउन के टाइम आप सभी जो हैं वो अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वर्कलोड को शेयर कर लिया होगा, घर में सिर्फ जो लेडी ऑफ द हाउस है वो ही काम नहीं कर रही होगी, सब मिलजुल कर काम कर रहे होंगे। अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। अगर इस लॉकडाउन के दौरान आप अनमोटिवेटेड, अनप्रोडक्टिव या पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो आप राइट प्लेस पे हैं, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसी इजी पेंटिंग स्टाइल्स के बारे में जो सभी के लिए सुटेबल हैं, जिसे बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी और बूढ़े भी। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको कुछ ख़रीदना नहीं है, जो भी घर में अवेलेबल हैं चीज़ें उनसे आप कर सकते हैं। मैं सारे ऑप्शंस शेयर करूँगी जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, उसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी घर में है सामान उसी से हम सारी चीज़ें बनाने वाले हैं। ये पेंटिंग स्टाइल्स जो हैं ये बहुत ही थेरापूटिक हैं, ईजी तो हैं ही, इनको बनाने से मन बहुत शांत होता है, फोकस्ड हो जाता है और पॉजिटिव फील होता है। तो इसीलिए इस टाइम के लिए ये पेंटिंग्स बहुत बहुत अच्छी हैं, तो इन्हें आप ज़रूर ट्राई करें। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहली पेंटिंग से। तो डॉट पेंटिंग के लिए आपको चाहिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ढेर सारे कलर्स, ब्रशेस जिनका हम बैक यूज़ करेंगे, और उसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं जैसे क्यूटिप, जिसे ईयरबड कहते हैं, माचिस, कील, स्क्यूअर्स या झाड़ू की जो स्टिक्स होती हैं वो भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट आपने चूज़ किया है उस पर फ्री हैंड कोई भी डिज़ाइन या पैटर्न आप ड्रॉ कर लें, या अगर आप फ्री हैंड नहीं ड्रॉ कर पाते हैं तो आप ट्रेस कर लीजिए। इंस्पिरेशन आप अपने अराउंड कहीं से भी ले सकते हैं, आप चाहें तो पिंटरेस्ट या गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो मैंने जो अपने इंग्लिश चैनल पे बनाई है वो मैंने खुद से बनाई है, और ये जो है ये मैंने पिंटरेस्ट से इंस्पिरेशन ली है। तो ये डिज़ाइन तैयार होने के बाद इसे करना है पेंट, और उसके लिए हम सिर्फ डॉट्स यूज़ करेंगे। और डॉट्स के लिए सबसे पहले एक्रिलिक पेंट निकाल लें अपनी कलर मिक्सिंग ट्रे में, और कोई भी एक टूल लेकर सबसे पहले आउटलाइंस पर डॉट्स बनाने हैं। तो मैं छोटे छोटे डॉट्स बना रही हूँ इसलिए मैंने कंपास की टिप यूज़ की है। ध्यान रखिए कि आपको एक्रिलिक पेंट में जो है वाटर बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, ये थिक होना चाहिए। अब बड़े डॉट्स के लिए मैंने यहाँ ईयरबड यूज़ की है, ब्रश यूज़ कर सकते हैं, एक ही टूल से आप कई साइज़ के डॉट्स भी बना सकते हैं। अगर आप एक बार कलर लोड करके और 3-4 डॉट्स बनाते हैं तो अलग अलग साइज़ के बनेंगे, क्योंकि उसमें कलर का अमाउंट धीरे धीरे कम होने लगता है तो डॉट्स के साइज़ भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। डॉट्स मैंने इस तरह से फिल किए हैं कि कोई भी स्पेस ज़्यादा ना रहे। उसी तरह से मैंने एक और कोस्टर अपना जो है वो बनाया है, इसका वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी। और ये जो फिश कोस्टर है इसका वीडियो मैंने अपने इंग्लिश चैनल पर डाला है, तो सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो चेक करना ना भूलें। एक बार पेंट हो जाने के बाद और ड्राई हो जाने के बाद मैंने इसमें एक्रिलिक वार्निश का स्प्रे किया और ये तैयार है।
क्यूटिप पेंटिंग के लिए मैंने इंस्पिरेशन अपने पेरेंट्स की फ़ोटोग्राफ से ली, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है वो मुझे लगा कि क्यूटिप पेंटिंग बनाने में काफ़ी ईजी रहेगा। तो क्यूटिप पेंटिंग के लिए आपको एक कैनवस या पेंटिंग शीट चाहिए और ढेर सारी ईयरबड्स जिनको आप एक रबर बैंड से बांध लें। इसके बाद मैंने आउटलाइन बनाई है, एक रफ़ आउटलाइन, और कलर पैलेट में मैंने निकाल लिए हैं अपने एक्रिलिक कलर्स। अब मैं कलर को क्यू टिप्स में लोड करूंगी और दोनों कलर लूंगी, रेड और वाइट, और इस तरह से अपने कैनवस पे उसे टैप करूंगी जिससे कि एक पैटर्न ऐसा लगेगा कि ये फ्लावर्स हैं। फिर मैंने लिया ग्रीन और येलो कलर, सेम बंच पे मैंने दोनों कलर्स लिए हैं और इसके बाद टैप करना शुरू किया। अब ये बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे ये बुशेज हैं। इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस टैप करते जाइए। डार्कर शेड कर लेने के बाद मैंने थोड़ा लाइटर शेड उसमें दिया जिससे कि ये थोड़ा रियलिस्टिक लगे। अगर आपके पास ईयरबड्स नहीं हैं तो आप मैच स्टिक में कॉटन को रैप करके बना सकते हैं। अब क्योंकि मैंने कहा मैं इजी पेंटिंग स्टाइल्स बता रही हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने पेरेंट्स की पिक्चर नहीं बनाई है, मैं बस आउटलाइंस बना रही हूँ और इसको मैं फिल करूँगी ब्लैक कलर से जिससे कि ये सिल्वेट पेंटिंग की तरह दिखे। बैकग्राउंड को मैंने ग्रीन कलर में पेंट करने के बाद क्यू टिप में डार्कर शेड ऑफ ग्रीन लिया है और उससे मैंने टैप करके इस तरह का बैकग्राउंड बनाया है जिससे कि वो लगे पूरा लीफी है और वहाँ बुशेज हैं, ट्रीज़ हैं। फिर मैंने कुछ दिए फिनिशिंग टचेस और पेंटिंग ड्राई हो जाने के बाद मैंने उस पर एक्रिलिक वार्निश का एक स्प्रे किया। अगर आपके पास नहीं है आप लिक्विड वार्निश यूज़ कर सकते हैं। मंडल पेंटिंग या मंडला पेंटिंग के लिए आपको चाहिए एक स्केल, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर और कंपस और एक ऑब्जेक्ट। तो मैं ले रही हूँ तवा। सबसे पहले तवे को मैंने पेंट किया है वाइट, जो कि प्राइमर का काम करेगा, और इसके बाद मैंने एमरल्ड कलर से उसको पेंट किया और मैंने तीन कोट्स दिए थे, तब कहीं जाके इसके ब्रश स्ट्रोक्स जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे थे। अब इसका सेंटर निकालने के लिए मैंने दो जो हैं वो कॉर्ड्स बनाई हैं सर्कल पर, ये सर्कल की तरह है, तो मैंने दो कॉर्ड्स बनाई 18 सेंटीमीटर की, एक ऊपर और एक नीचे। कॉर्ड्स कुछ नहीं होती हैं, दो लाइंस होती हैं जो सर्कल पर बनाई जाती हैं, तो दोनों सेम लेंथ की मैंने बनाकर और फिर उन्हें इस तरह से ज्वाइन किया है कि बीच में क्रॉस बने। अब ये जो दोनों लाइंस जहाँ क्रॉस कर रही हैं, जो का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो सेंटर है, और बाकी सारी जो भी लाइंस हैं उन्हें मैं वाइप कर दूंगी। और इसके बाद सेट स्क्वायर से मैंने इसको फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और इसी तरह से डिवाइड करते हुए टोटल मैंने 16 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है, क्योंकि मंडला आर्ट में आप मोस्टली 16 इक्वल पार्ट्स में ही सर्कल को डिवाइड करते हैं, आप चाहें तो 32 भी कर सकते हैं। इसके बाद कंपास को यूज़ करके मैंने कई सारे सर्कल्स इस तरह से बनाए और ये इस तरह से लगेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब बस आप एक्रिलिक पेंट लीजिए अपने मनपसंद कलर का, 0 नंबर या 2 नंबर का एक ब्रश लीजिए, फाइन टिप ब्रश जो होते हैं, और पैटर्न्स बनाना शुरू कर दीजिए। अब इस मंडला में कई सारी लेयर्स हैं और हर लेयर में कई सारे सेक्शंस हैं, तो सेक्शन बाय सेक्शन आपको सेम पैटर्न जो है वो रिपीट करना है।
लेकिन लेयर बाय लेयर जो है आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं। तो ये मेरी एक लेयर कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद दूसरी लेयर में भी मैं यही करूँगी कि रिपीटेटिव पैटर्न्स बनाती जाऊँगी। मंडला हमेशा इंट्रिकेट डिज़ाइन से फिल्ड होते हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको इतिहास बता देती हूँ। मंडल जो है ये संस्कृत वर्ड है, ये एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है सर्कल यानी कि व्रत। ये भी शो करता है कि लाइफ जो है वो नेवर एंडिंग है और सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। मंडला आर्ट जो है वो एक थेरेपी है। इसे कई लोगों को सजेस्ट किया जाता है जो डिप्रेस्ड होते हैं या जिन जो फोकस नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को ये सजेस्ट की जाती है, ये एक थेरेपी की तरह। तो इस समय में जो अभी हमारे आसपास समय चल रहा है उसमें ये बहुत थेरापेटिक रहेगी। तो मेरा सजेशन है कि आप ये आर्ट ज़रूर घर पर ट्राई करें। तो इस तरह से मैं रिपीटेटिव पैटर्न्स बनाती गई और काफ़ी इंट्रिकेट होते हैं पैटर्न्स। आप चाहें तो मोनोक्रोमेटिक रखिए, चाहें तो आप इन्हें ढेर सारे कलर्स फिल कर सकते हैं इसके अंदर। ये सभी जो तीनों पेंटिंग्स मैंने बताई हैं, ये ज़रूरी नहीं है जो सर्फेसेस मैंने चूज़ की हैं उसी पर आप बनाएं। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप कपड़ों पर बना सकते हैं, आप कैनवस पर बना सकते हैं, किसी भी घर में पड़े ऑब्जेक्ट पर आप बना सकते हैं, पॉट्स पर, पैंस पर, यूटेंसिल्स पर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या ऑब्जेक्ट चूज़ करेंगे। तो मैंने पूरा बना लेने के बाद हैंडल को भी पेंट किया और उस पर भी पैटर्न्स बनाए और इसके बाद मैंने इसे एक्रिलिक वार्निश से सील किया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी इसी तरह की पेंटिंग्स बनाएंगे, ट्राई करेंगे। अगर आप करें तो मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी और ये है मेरा फेसबुक आईडी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप या तो ये वीडियो देखें या फिर ये। बाय बाय, विश यू ऑल लव लक एंड सनशाइन।